अखिलेश यादव जी एक साइकिल यात्रा लेकर उन्नाव आए थे। उस साइकिल यात्रा में उन्होंने अपने भाषण में किसानों की बात की थी और कहा था कि अगर हमारी सरकार 2012 में बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 से लेकर 17 तक पूरे 5 साल में क्षेत्र में रहा, एक भी किसान ढूंढे नहीं मिला जिसका 1 रुपया माफ किया गया हो। उल्टा किसानों ने माफी के कारण कि पैसा माफ हो जाएगा, ऋण माफ हो जाएगा, अपना ऋण नहीं जमा किया, ब्याज बढ़ गया, आरसी कट गई, बैंक वाले जान में है। तो इस तरह की कुछ साजिशें, कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और उसी षड्यंत्र के विस्तार में हमारी बात पूरी होने जा रही है। एक पुस्तक कल परसों आई थी, एक फिर आ गई। अब वो लोग केवल किताबें लिख रहे हैं और एक किताब में उन्होंने यह बात बताई है कि जो आतंकवादी संगठन हैं, इस्लामिक स्टेट है, बोको हरम है, ऐसे सभी संगठन ये वैसे ही हैं जैसे हिंदू। तो हिंदुओं का इस देश में हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष का इतिहास है और हम अपने ही देश में आतंकवादी, हिंसक आतंकवादी कहे जा रहे हैं लिखकर, क्या यह उचित है? जिस पार्टी द्वारा कहे जा रहे हैं उस पार्टी को या तो सफाई देनी चाहिए, वो किताब तो मेरे पास है, मैं उस किताब पर लिख भी चुका हूँ, कल छपा था दैनिक जागरण में। लेकिन आप कल्पना करिए कि हमारे पूर्वज कहाँ कहाँ वैदिक काल से लेकर अब तक, तमाम उपनिषद, तमाम ग्रंथ, तमाम हमारे महाकाव्य महाभारत, रामकथा, तमाम कहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा हमको आतंकवादी नहीं कहा गया, हिंदू को आतंकवादी लिखकर कहा गया है। क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त के बाहर है। इसी तरह माननीय मोदी जी को लेकर जिस तरह की रणनीति, राजनीति की जा रही है, यह बर्दाश्त के बाहर है। हमारा अंतिम निवेदन कि हम